अरबों के कर्ज में डूबी मोहन यादव की सरकार, हो गया बड़ा खुलासा। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में नई भाजपा सरकार बने अभी दो हफ्ते का भी समय नहीं हुआ है, लेकिन सूबे की आर्थिक स्थिति पर लोड बढ़ रहा है, जबकि इससे पहले मध्य प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लदा हुआ है। सूबे के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आरबीआई से फिर 2000 करोड़ रुपए का लोन मांगा है। मोहन यादव ने राज्य के खर्च का हवाला देते हुए ये डिमांड की है। आपको बता दें कि यह राज्य सरकार की खराब वित्तीय स्थिति और बढ़ते कर्ज की तरफ इशारा है। सत्तारूढ़ भाजपा हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के वादों को पूरा करने के कठिन काम में जुट गई है, और जब मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सत्ता संभाली है तो उन्हें लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है। और इसी के साथ आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना जैसी योजनाओं को भाजपा को करीबी मुकाबले में जीत दिलाने में मदद करने का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अकेले 2023 में 44,000 करोड़ रुपए का उधार लिया, जिसमें चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान भी 5,000 करोड़ रुपए शामिल था। अब नई सरकार आने के बाद राज्य सरकार का खजाना खाली है, ऊपर से राज्य सरकार के पास वादों की लंबी लिस्ट है। ऐसे में मोहन यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि हालांकि मोहन यादव ने विधानसभा में आश्वासन दिया है कि राज्य के बजट पर कोई संकट नहीं है, फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।